किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में हिंसा फैलाने वालों को जी हिंदुस्तान लगातार बेनकाब कर रहा है। हम उन चेहरों को सामने ला रहे हैं जो गणतंत्र दिवस के गुनहगार हैं, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश रची थी। अब देश की जनता पूछ रही है कि जिन्होंने 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर तांडव मचाया, ऐसे लोगों पर आखिर कार्रवाई कब होगी। आपको बता दें कि 15 दिन पहले एफआईआर दर्ज की गई थी, दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर हुई थी, उसके बाद अब 25 एफआईआर लाल किले में जो कुछ हुआ उसके बाद दाखिल की जा चुकी है। अब देखिए कि लगातार उन चेहरों को आप भी पहचान लीजिए जो चेहरे इस वक्त आपको जी हिंदुस्तान दिखा रहा है। ये वो गुनहगार हैं जिन्होंने लगातार देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए साजिश का ताना बाना बुना था। बिल्कुल, वो गैंग जो कि लगातार अपने षड्यंत्र के तहत इन किसानों की आड़ में देश का अपमान किया, गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके की हिंसा की, उत्पात मचाया, बवाल किया, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार जी हिंदुस्तान उन चेहरों को बेनकाब कर रहा है क्योंकि एक एक शख्स से अब हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल, और कुछ सवाल रितिका, कुछ सवाल है। सवाल नंबर एक, किसान नेताओं पर क्यों ना देशद्रोह का मुकदमा चले, ये पूरा देश मांग रहा है। बिल्कुल, और दूसरा सवाल देखिए ये है कि ट्रैक्टर से पुलिस पर अटैक क्यों किया गया, किसान नेता गुनहगार क्यों नहीं है। जबकि सवाल ये भी उठ रहा है कि हथियारों से पुलिस पर अटैक हुआ, किसान नेता गुनहगार क्यों नहीं, क्यों वो अभी भी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों वो अकड़ जो अभी तक राकेश शिकायत में नजर आ रही थी वो खत्म नहीं हो रही है, और आखिर क्यों जिम्मेदारी से भागते हुए ये किसान नेता नजर आ रहे हैं। जब आंदोलन इनके नेतृत्व में शुरू हुआ, इनके कहने पर शुरू हुआ, तो अब जवाबदेही से बचते हुए क्यों दिख रहे हैं। और ये जी हिंदुस्तान के सवाल है जो जवाब हम लेकर रहेंगे, और देश की जनता भी ये सवाल जानना चाहती है। इन सवालों के जवाब का इंतजार देश की जनता को भी है। लगातार किसान नेता अपने तमाम सहयोगियों को बुलाते रहे, वो ये कहते रहे कि आप दिल्ली आइए, ट्रैक्टर मार्च निकालिए, और राकेश टिकैत तो यहां तक कह रहे थे कि हम इलाज करेंगे। किसका इलाज करने की बात कर रहे थे, क्या इस तरीके से इलाज होता है जहां लाल किले पर उपद्रवियों की भीड़ पहुंच जाती है, देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन आज भी देखिए लाख कोशिशें उन लोगों की तरफ से की गई, लेकिन आज भी हमारे देश का तिरंगा बड़ी शान से लाल किले की प्राचीर पर लहरा रहा है। और देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्यों बार बार ये सामने आ रहे हैं। लगातार देशद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए क्योंकि देश की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ के लिए पूरी साजिश इन किसान नेताओं के द्वारा रची गई थी। बिल्कुल, और दिल्ली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा मामले में लखा सदाना पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि पंजाब में पहले से ही लखा पर 20 से ज्यादा केस दर्ज है। लाल किले पर हुई हिंसा का आरोपी है लखा सदाना, जिस पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। लखा पर किसानों को भड़काने का आरोप भी है। सिंगू बॉर्डर पर भड़काऊ बयान देने, भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। लखा सदाना पर पंजाब में भी मुकदमे दर्ज है। ये एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो पंजाब में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं उनसे जुड़ी एफआईआर है। लेकिन लखा सदाना अकेला ऐसा चेहरा नहीं है। आप सिंगू बॉर्डर पर जाते तब आप पाते कि वहां पर सिद्धू जैसे चेहरों के लिए जगह बनाई गई थी, लखा सदाना थे, और जो किसान नेता हैं उनके बोल को हम भड़काऊ नहीं थे। अगर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सुझाए गए रूट पर सहमति किसान नेताओं के द्वारा जता दी गई थी तब फिर किसान नेता ये क्यों कह रहे थे कि हमें दिल्ली में जाना ही है, हमें आउटर रिंग रोड पर पहुंचना ही है, और क्या इस तरीके से पहुंचने की प्लानिंग पहले ही की जा चुकी थी, ये सवाल गहरा रहा है। बिल्कुल, और देखिए लखा सदाना के अलावा कई किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है क्योंकि लगातार आरोप इन पर यही लग रहे हैं कि अपने भड़काऊ भाषण के जरिए इन लोगों को भड़काया गया था, बताया गया था कि किस तरीके से हिंसा फैलानी है, उत्पात मचाना है, देश की छवि को धूमिल करना है। और लखा सदाना जिस पर पहले से ही पंजाब में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, उस एफआईआर की कॉपी भी हमने आपको दिखाई। अब सिंगू बॉर्डर मामले को लेकर नई एफआईआर दर्ज की गई है लखा सदाना पर। और इस चेहरे को पहचान लीजिए, इस चेहरे का नाम लखा सदाना है जिस पर 20 से ज्यादा एफआईआर पहले ही पंजाब में दर्ज थी, और इसके मंसूबे क्या हो सकते हैं इसका अंदाजा इसके जहरीले बोल से आपको पहले ही लग गया होगा। और अब इसकी परेशानी लगातार बढ़ने वाली है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसान नेताओं के इशारे पर जिन लोगों ने उत्पात मचाया अब उनकी खैर नहीं है। देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का सपना लेकर जो ट्रैक्टर लेकर किसान
निकले थे पुलिस पर वो ट्रैक्टर चढ़ाने के, बिल्कुल लगातार जी हिंदुस्तान, बिल्कुल जी हिंदुस्तान लगातार यही सवाल खड़ा कर रहा है कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई का दायरा क्या कुछ होगा, समय सीमा क्या कुछ होगी। जांच शुरू हो चुकी है, अब इन्वेस्टिगेशन में एक एक चेहरे बेनकाब होंगे। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, देखिए टिकरी बॉर्डर से सुमित हमारे साथ मौजूद है, लाल किले से इस वक्त दीपिका और रमन हमारे साथ मौजूद है, प्रत्युष और निजाम हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर से हर्षा और मनोहर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तमाम सहयोगी हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। लाल किले में क्या स्थिति है, लाल किले में कहां तक पहुंचा है वो काम जो उसे संजोने की कोशिश कर रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। तुरंत हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।